गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान सारी स्टडी में मोस्ट वेलकम है। फिर से मोस्ट वेलकम इसलिए है क्योंकि मैं आज से पिछले क्लास में भी वीडियो दे चुकी हूँ, और जो हमारा वीडियो बायोलॉजी का जा रहा है, चैप्टर फर्स्ट जो हमारा जैव प्रक्रम पोषण है, उस चैप्टर का आज लास्ट वीडियो है, जो है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मानव का आहार नाल, और इसी चीज पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। सो आज टॉपिक बाय टॉपिक इसको अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मुख। कहने का मतलब है मुख गुहा। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। यह ऊपरी
अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स किसे कहते हैं? तो छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोर पर एक छोटी नली होती है। कहने का मतलब है कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोर पर एक छोटी नली होती है जो सीकम कहलाता है। सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाता है, या तो फिर यह मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। कहने का मतलब है कि हमारे मानव का आहार नाल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें जो भी टॉपिक दिया हुआ है, जो भी अंग है, मुख है, ट्रैकिया है, डायफ्राम है, यकृत है, पित्त की थैली है, छोटी आंत है, अभी जो इस टॉपिक के बारे में मैं आपके सामने डिस्कस किया, आपको बताई, तो ये सभी का एक कार्य है अपना अपना। लेकिन जो ये अपेंडिक्स है, इस अपेंडिक्स का हमारे मानव शरीर में कोई भी कार्य नहीं है। अब जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक वो है ग्रास नली। तो ग्रास नली किसे कहते हैं ये जानेंगे, और ग्रास नली का क्या मुख्य कार्य है उसको जानने का कोशिश करेंगे। तो ग्रास नली मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचाता है। ग्रास नली जो होता है वो लार से सना हुआ भोजन जो निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचाता है, और भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में एक तरंग मतलब कि लहर की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे क्रमाकुचन भी कहते हैं। इस प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता जाता है। ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली में भोजन अमाशय में पहुंचता है। ये हमारा जो टॉपिक था, ये हमारा ग्रास नली टॉपिक था। अब जैसे ही हम लोग नीचे बढ़ते हैं तो एक देखेंगे कि मुट्ठी के आकार का पीलिया, जिसे हम लोग पीलिया कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग दो लाइन में जानने का कोशिश करेंगे कि पीलिया जो मुट्ठी के आकार का एक तंत्र होता है जो हमारे अंग में मौजूद ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। कहने का मतलब कि ब्लड को प्यूरिफाई साफ करने का, छानने का काम करता है, जिसे हम पीलिया कहते हैं। अब है हमारा अमाशय। अमाशय एक चौली थैली जैसी रचना होती है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ मींस की, कहने का मतलब है आगे की ओर दिशा में फैली होती है। अमाशय के अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। ये जो होता है इन दोनों के बीच का भाग जो होता है वो फुंडी कहलाता है, क्योंकि यहाँ जो अग्नाशय टॉपिक जो है अमाशय है, वो हमारा सिर्फ मेन टॉपिक अमाशय है, लेकिन इसके जस्ट छोटे छोटे पार्ट भी होते हैं, जो हमारे यहाँ लार ग्रंथि जैसे पढ़े थे। और लार ग्रंथि में कितने लार ग्रंथि होते हैं तो मैं बताई भी थी कि 3 लार ग्रंथि, और ठीक उसी प्रकार अमाशय भी है। अमाशय तो है लेकिन उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं उनको सबसे पहले कार्डियक भाग कहलाता है, सेकंड जो हमारा पाइलोरिक भाग है, और इसी के बीच इन दोनों के बीच का जो भाग होता है वो फुंडिक भाग कहलाता है। अब हम चलते हैं जस्ट नीचे जो हमारा है अग्नाशय। तो अग्नाशय का क्या कार्य है, किस तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, यह जानने का कोशिश करेंगे कि अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो अग्नाशय कहलाती है। कहने का मतलब है कि अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरी होती है, कौन से रंग से घेरे होते हैं, तो पीले रंग की एक थैली सी घेरी होती है, जो एक थैली होती है जो अग्नाशय कहलाता है। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशयी वाहिनी बनाता है। अब हमारा कोलन। कोलन किसे कहते हैं ये हम लोग जानेंगे कि कोलन का क्या काम है। यह पार्ट हमारा जठरांत क्षेत्र तथा पाचन
तंत्र का अंतिम भाग है। कहने का मतलब है कि कोलन पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। इस भाग में जल का शोषण करके बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ वेस्ट मटेरियल को मल के रूप में भंडारित किया जाता है, जो रेक्टम द्वारा निष्कासित हो जाता है। अब जो है हमारा लास्ट टॉपिक रेक्टम, तो जानने का कोशिश करेंगे कि रेक्टम किसे कहते हैं। अपापचय भोजन इलियम से कोलन में से होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। बड़ी आंत के इन भागों में अपचय भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशिष्ट हो जाते हैं। अंत में अपापचय भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है, जहां से यह समय समय पर मल द्वार के रास्ते से निष्कासित हो जाता है। ये था हमारा आज का लास्ट वीडियो, जो चैप्टर फर्स्ट का था, जो हम अभी डिस्कस किया आप लोग के सामने, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही, और अगले जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, इसके लिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू, धन्यवाद।